हेलो, दिस इज़ चंद्रशेखर सेन फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर। स्टूडेंट्स, आज के ई वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड के एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो आइए शुरू करते हैं आज का ई वीडियो लेक्चर। तो आज के ई लेक्चर में हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, जैसा कि आपको नाम से ही पता है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ऐसी इंडक्शन मोटर होती है जिसको पहले कि हम सिंगल फेज सप्लाई देते हैं। सप्लाई पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कि दो तरह की जो मोटर होती है वो ये है कि एक तो होती है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और एक होती है थ्री फेज इंडक्शन मोटर। जिसको हम सिंगल फेज सप्लाई देते हैं वो सिंगल फेज कहलाती है, और जिसको थ्री फेज सप्लाई देते हैं वो थ्री फेज कहलाती है। सिंगल फेज का मतलब है कि जिसको एक फेज और एक न्यूट्रल देते हैं, और थ्री फेज का मतलब है जिसको कि हम तीनों फेज आर वाई बी और एक न्यूट्रल हम देते हैं, तो वो कहलाती है हमारी थ्री फेज इंडक्शन मोटर। पर यहाँ हम बात करते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज मोटर, मोटर क्या होती है। कि मोटर एक इस तरह की मशीन होती है जिसको हम इलेक्ट्रिकली इनपुट देते हैं और आउटपुट हमें मैकेनिकली मिलता है। तो अगर किसी मशीन को हम इलेक्ट्रिकल इनपुट देते हैं और आउटपुट हमें मैकेनिकल मिलता है तो वो हमारी मोटर कहलाती है। ठीक है, मोटर का डिजाइनिंग देखें, देख इस तरह से मैंने, ये स्टेटर है इसका, बाहरी भाग स्टेटर है और ये अंदर का भाग यहाँ पर रोटर दिखा रखा है, ये मैंने शाफ्ट दिखा रखी है। तो मोटर के जो स्टेटर है उसको मैंने सप्लाई दे रखी है पी और एन फेज और न्यूट्रल सिंगल फेज 230 वोल्ट एसी सप्लाई, 230 वोल्ट एसी सप्लाई मैंने यहाँ इसको इनपुट दिया है, और आउटपुट में मुझे मिलेगा शाफ्ट का रोटेशन। क्या मिलेगा मुझे? शाफ्ट का रोटेशन मिलेगा। तो इस तरह से मोटर रोटेट करेगी। ठीक है, अब बात करते हैं इंडक्शन की, कि व्हाट इज इंडक्शन, एक्चुअली इंडक्शन क्या होता है। तो इसको हम इस तरह समझेंगे, ये यहाँ पर देखिए, इंडक्शन को समझाने के लिए मैंने कुछ सर्किट बनाया है यहाँ पर। यहाँ एक ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल है, कॉपर की कॉइल है, जिसको कि मैंने यहाँ पर एसी सप्लाई दे रखी है, सिंगल फेज एसी सप्लाई दे रखी है मैंने। ठीक है, और इसके पास में मैंने एक कॉइल रख रखी है यहाँ पर, वो भी कॉपर की बनी हुई है, और उसको मैंने शॉर्ट कर दिया एमीटर के थ्रू। अब क्या हुआ कि जब मैं इसको कॉइल को सिंगल फेज सप्लाई दूंगा तो इसके अंदर करंट फ्लो होगा, और इस करंट फ्लो होने की वजह से कॉइल के अंदर एक खुद का मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड पल्सेटिंग होगा, अल्टरनेटिव होगा, यानी चेंज होगा। ठीक है, चेंज होगा तो इसमें से बंच ऑफ मैग्नेटिक लाइंस जो निकलेगी, जिसे हम फ्लक्स बोलते हैं, वो लाइंस निकलेगी, और लाइंस वो उसका मैग्नीट्यूड टाइम के अनुसार वेरी होता रहेगा। तो फैराडे के नियम के अनुसार हमने देखा है कि एल इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। अगर करंट में समय के साथ साथ चेंज होगा तो ईएमएफ डेवलप होगा। आई इज प्रोपोर्शनल टू फाई, क्योंकि जो फ्लक्स डेवलप होता है वो करंट की वजह से होता है, तो ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। सो वी कैन से हेयर ई इज इक्वल टू माइनस एल डी फाइव बाई डी टी। द ईएमएफ विल बी इंड्यूस, फैराडे के नियम के अनुसार क्या होगा, द ईएमएफ विल बी इंड्यूस इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, अगर वहां पर फ्लक्स में परिवर्तन है तो ईएमएफ डेवलप होगा। यहां पर ये जो कॉइल है इससे फ्लक्स जो कट हो रहा है उसमें परिवर्तन होता है, जिसकी वजह से इसके अंदर ईएमएफ डेवलप होता है, और चूंकि सर्किट हमारा शॉर्ट है तो इसके अंदर करंट फ्लो होती है। तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने सप्लाई इस कॉइल को दी, लेकिन हमारा जो करंट है वो इस कॉइल में भी जनरेट हुआ है, ईएमएफ इस कॉइल में भी जनरेट हुआ है। तो ये जो इफेक्ट है ये कहलाता है इंडक्शन इफेक्ट। तो इसी इफेक्ट को हम इंडक्शन मोटर के अंदर प्रिंसिपल के रूप में यूज करते हैं। ये जो पोर्शन है वो इंडक्शन मोटर में स्टेटर का कहलाता है, और ये जो पोर्शन है मोटर के अंदर रोटर का कहलाता है। ठीक है, उसको आगे हम देखते हैं। तो यहाँ हम फिर से देखेंगे कि ये हमारा स्टेटर है जिसको मैंने सप्लाई दे रखी है, और इंडक्शन के इफेक्ट की वजह से रोटर चूंकि शॉर्ट सर्किटेड होता है, रोटर के अंदर ईएमएफ डेवलप होगा, करंट फ्लो होगी और टॉर्क बनेगा, और टॉर्क बनने से जो इसकी शाफ्ट है वो रोटेट होगी। ठीक है, ये इसका सिंपल सा प्रिंसिपल, इसको आगे हम और डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं कि इस मोटर को हम एफ के डब्ल्यू यानी फ्रैक्शनल किलो वाट मोटर भी हम बोलते हैं, क्योंकि ये जो मोटर है ये हमें बिलो 1 kW अधिकतर मार्केट में मिलती है। हम इसका मैक्सिमम यूज करते हैं
जब इसकी वैल्यू बिलो 1 किलोवाट होती है। तो ऐसी वैल्यू, ऐसी जो मोटर्स को हम फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर भी कहते हैं। मार्केट में हम लेने जाएंगे तो इसकी जो रेटिंग होती है वो होती है 0.5 HP, 1/4 HP, 1/3 HP। तो ये फ्रैक्शनल है, इसलिए इसको हम, ये जो नंबर है वो फ्रैक्शनल है, इसलिए हम इसको फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर ये भी कहते हैं। अब इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो इस तरह से है कि दिस इज लेस सेटिस्फैक्ट्री करेक्टरिस्टिक्स देन 3-phase इंडक्शन मोटर। 3-phase इंडक्शन मोटर से कंपेयर करते हैं तो इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है थोड़ी कम सेटिस्फैक्ट्री है। और इसका सबसे मेन जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि दिस मोटर हैज नो स्टार्टिंग टॉर्क। सो वी कैन से हियर कि दिस मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। ये मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, ये स्वतः ही स्टार्ट नहीं होती है। यानी कि जैसे हमने मोटर को, मोटर का जो सप्लाई सिस्टम दिया और स्विच को ऑन किया, ये मोटर स्वतः ही स्टार्ट नहीं होती है। विद द हेल्प ऑफ सम एक्सटर्नल मील वी कैन स्टार्ट दिस मोटर, सो वी विल डिस्कस लेटर। अब हम यह बात करते हैं कि वर्क्स ऑन हायर स्लिप देन 3-phase इंडक्शन मोटर। और इस मोटर की जो स्लिप होती है वो भी 3-phase इंडक्शन मोटर के कंपेयर में ज़्यादा होती है। अब स्लिप क्या होती है तो वो हम, मैं बताना चाहूँगा कि द डिफरेंस बिटवीन द सिंक्रोनस स्पीड एंड रोटर स्पीड, दैट एस इज इक्वल टू ns माइनस nr अपॉन ns, ये कहलाती है सिंक्रोनस स्पीड का, ये कहलाती है हमारी स्लिप, जो सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड का डिफरेंस होती है बेसिकली। तो यहाँ पर स्लिप की वैल्यू ज़्यादा होती है, इसका मतलब इसकी स्पीड होती है वो बहुत कम होती है। कंटिन्यूस टू रन इन द गिवन फोर्स डायरेक्शन। अच्छा, जैसा कि मैंने बताया कि ये मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, तो इसको हम जिस डायरेक्शन में रोटेट करेंगे ये उसी डायरेक्शन में फर्दर रोटेट होती रहेगी जब तक कि इसको सप्लाई मिलती रहेगी। अगर हम इसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्लॉकवाइज रोटेट होगी, अगर इसको हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगी जब तक कि हम इसको सप्लाई देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है दिस वर्क्स ऑन द लो पावर फैक्टर। इसका जो पावर फैक्टर है वो भी बहुत लो होता है, ठीक है, जिससे इसकी एफिशिएंसी भी बहुत कम होती है। तो ये इसकी कुछ डिसएडवांटेज है या इसकी कुछ बैड करेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन फिर भी इतनी करेक्टरिस्टिक होने के बाद भी ये मोटर हमें बहुत ज़्यादा, हमारे बहुत ज़्यादा जो यूज़ में आती है। तो देखिए कहाँ कहाँ यूज़ आती है कि इस मोटर का उपयोग हम घरों के अंदर करते हैं, शॉप्स के अंदर भी इसका बहुत उपयोग होता है, ऑफिसेस में भी इसका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। घरों के अंदर जैसे सीलिंग फैन में हम जो मोटर काम में लेते हैं वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है। हमारे रेफ्रिजरेटर में, उसके कंप्रेसर में जो मोटर काम में लेते हैं वो भी हमारी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है। फूड मिक्सचर यानी कि जो मिक्सी होती है उसमें, उसके अंदर भी हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का यूज़ करते हैं। कूलर के अंदर यूज़ करते हैं, हेयर ड्रायर के अंदर यूज़ करते हैं, ड्रिंक मशीन, वैक्यूम क्लीनर, सेंट्रीफ्यूगल पंप, वॉशिंग मशीन, स्विंग मशीन, ब्लोअर, कंप्रेसर, और देर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशन वेयर वी यूज द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो काफ़ी जगह सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का उपयोग आता होता है, इस वजह से ये मोटर जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है और बहुत ज़्यादा हम इसको काम में लेते हैं। और दूसरी बात है, हमको मोस्टली जो सप्लाई मिलती है वो सिंगल फेज एसी सप्लाई सभी जगह हमको मिलती है, तो ये मोटर इसलिए इसका उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और बहुत ज़्यादा इसका उपयोग है। अब हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है बेसिकली 3 तरह की होती है। एक होती है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, एक होती है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, दूसरी होती है सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर ऐसी मोटर जिसकी स्पीड, रोटर की स्पीड होती है वो सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होती है, तो वो सिंक्रोनस मोटर कहलाती है। तो वो 2 तरह की और फर्दर होती है, रिलक्टेंस मोटर और हिस्टेरिसिस मोटर। दूसरी, तीसरी तरह की मोटर की बात करते हैं तो ये सिंगल फेज कम्यूटेटर टाइप होती है। देखिए नाम से पता चल रहा है, इस मोटर के अंदर हम सिंगल फेज सप्लाई देते हैं और ये कम्यूटेटर इसके अंदर मिलता है हमें, तो इसलिए इसका नाम है सिंगल फेज कम्यूटेटर मोटर। तो ये होती है एक रिपल्शन मोटर, एक रिपल्शन इंडक्शन मोटर, एसी सीरीज मोटर, यूनिवर्सल मोटर। तो ये क्लासिफिकेशन है। और अब बात करते हैं हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की। एक्चुअली हमारे कोर्स में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, इसलिए हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये जो फर्दर 3 तरह की होती है, स्प्लिट फेज, शेडेड पोल, रिलक्टेंस टाइप। तो यहाँ जो मैंने मार्क कर रखी है ये मोटर्स है जो इसको हम आगे पढ़ेंगे,
तो स्प्लिट फेज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, इसका मतलब है इसके अंदर जो जो फेजेस होता है उसको हम दो भागों में बांट देते हैं जिससे कि इसमें टॉर्क डेवलप होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। और एक होती है शेडेड पोल जिसका कि हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और स्प्लिट फेज फर्दर डिवाइडेड इंटू द फोर कैटेगरी, रेजिस्टेंस टाइप इंडक्शन मोटर, परमानेंट कैपेसिटर, कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन, कैपेसिटर स्टार्ट एंड इंडक्शन रन। तो ये चार पांच तरह की जो मोटर है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये इसका क्लासिफिकेशन है। तो मैं समझता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन पढ़ाया सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का। अब इसके जो अलग अलग इसके क्लासिफिकेशन, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे फर्दर दूसरे लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।